हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कॉर्न पनीर की सब्जी। इसे कई तरीके से बनाया जाता है। आज हम बिना लहसुन और प्याज के बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने लिया है एक कटोरी स्वीट बॉइल्ड कॉर्न, एक चम्मच दही, चार टमाटर, एक अदरक, एक तीखी हरी मिर्च, एक टेबलस्पून गरम मसाला, एक टेबलस्पून धनिया पाउडर, एक टेबलस्पून हल्दी पाउडर, एक टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। यहाँ हमने 200 ग्राम पनीर ले लिया है। हम यहाँ पे पनीर को फ्राई नहीं करेंगे। और साथ ही में हमने लिया है 4 बड़ी चम्मच तेल। हमने हमारे मसालों का और अदरक मिर्ची और टमाटर का पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पे हमने लिया है जीरा। यहाँ पे हमने हमारा कुकर चढ़ा दिया है और हम इसमें अभी तेल डाल देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा मसाला तेल छोड़ने लगा है। तो अब हम इसमें दही डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो अब हम इसमें कॉर्न डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। तक ढक देंगे और ढक के पका लेंगे। हम इसे बीच बीच में से चलाते रहेंगे। और अब हम इसमें हमारा पनीर डाल देंगे। देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी पक गई है। तो अब हम इसे धनिया का पत्ती डाल देंगे।